तो कैसे हैं आप? जिंदगी में सब ठीक ठाक हैं? हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और मैं कहानियाँ और कविताएँ सुनाया करता हूँ। अभी हमारा रिश्ता कुछ इस तरह से जुड़ चुका है जैसे एक अपनेपन के साथ कोई डोर बंध गई हो। स्क्रीन के उस पार जब आप इन कहानियों को सुनते हैं, जब उन कहानियों पर प्यार देते हैं, तो दिल से दुआ देता हूँ मैं भी आपको और मुस्कुराता हूँ यहाँ आपके कॉमेंट्स पढ़ के। तो कुछ दिनों पहले मैंने अनिल्दा की एक कविता पढ़ के सुनाई थी, लेकिन एक गलती हो गई थी उस कविता को पढ़ते हुए। मैंने अनिल्दा के पूरे नाम को लेकर पढ़ा था कि आज मैं आपको अनिल कार्की की लिखी कविता सुनाने जा रहा हूँ। जब मैंने ये कविता अनिल्दा को भेजी, अनिल्दा नाराज़ हो गए। कहने लगे, हाँ भुला वो सब तो ठीक है, लेकिन तू अनिल्दा कह लेता तो ज़्यादा अच्छा लगता। जब तू दा करके बोलेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि अब है तो तू छोटा ही। भुला हमारे वहाँ छोटे भाई को कहते हैं पहाड़ों पर। तो अंदर से मुझे थोड़ा बुरा भी लगा था कि यार मैंने दा का नाम क्यों लिया। और उसके बाद मैंने कहा कि जब मैं कभी उनकी अगली कविता पढ़ूंगा तो आराम से प्यार से दा को इंट्रोड्यूस करूंगा कि जैसे अनिल कार्की नाम से मेरे एक बड़े भाई हैं जो कि अभी हल्द्वानी में हैं, वहाँ पढ़ाई जो करते हैं, बच्चे उनको पढ़ाते हैं, वो प्रोफेसर हैं मतलब। उसके अलावा वो पिथौरागढ़ के रहने वाले हैं, नैनीताल में काफ़ी लंबा वक्त उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बिताया है। मैंने भी उनसे मुलाकात की है वहाँ, तो मैं तो उनसे बिल्कुल ऐसे मिलता था जैसे एक फ़ैन होता है ना, बिल्कुल वैसे ही कि अरे यार अनिल दा लिखते हैं, उनका लिखा हुआ अखबारों में पढ़ा जाता है। तो ये किताब है उनकी जिसका नाम है उदास बखतों का रमौलिया। तो अनिल कार्की नाम से इस तरीके से किताब है, तो आप इसे मंगा भी सकते हैं। तो अनिल दा ने ना इस पर एक बहुत खूबसूरत कविता लिखी है, मैं इसे खूबसूरत भी नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि ये सच्चाई लिख दी इन्होंने। और मैं कई बार इस कविता को सुना चुका हूँ अलग अलग जगहों पर, शायद मैंने अपने YouTube चैनल पे भी बहुत पहले कविता सुनाई थी, लेकिन आज लगा कि इसे दोबारा से सुनाना चाहिए। तो ये एक लंबी कविता है, पहले तो आपको बता दें। आपको इसके कुछ शब्दों के मायने हो सकता है समझ ना आए, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इस चीज़ का मेरे को मतलब समझ नहीं आया, मैं वो भी आपको समझा दूंगा। तो इजा का मतलब होता है हमारे वहाँ हमारी मम्मी, ठीक है। और अब ये अनिल दा की जो कविता है उसका नाम है पहाड़ों पर नमक बोती औरतें। तो कविता के स्टार्टिंग पे इन्होंने लिखा है, अपनी जा जेड़जिया काखियों भौजियों को जो जिंदा हैं, उन आत्माओं को जो पहाड़ जीते हुए शहीद हो गई, उनको जिन्होंने पहले पहल मुझे हिमालय दिखाया। तो चाचियाँ ताइयाँ भाभियाँ मेरी माँ, उन सभी को समर्पित है कविता, ऐसा अनिल दा कहते हैं। तो चलिए चलते हैं इस कविता की तरफ। तो कहते हैं कि पहाड़ों पर नमक बोती औरतें बहुत सुबह ही निकल जाती हैं अपने घरों से। होती है तब उनके हाथों में दराती और रस्सी, चूह के बड़े बड़े दाने, सिलबट्टे में पिसा गया महकदार नमक। पहाड़ों पर ना सुबह सुबह जब बच्चे उठ रहे होते हैं, जग रहे होते हैं, तो मम्मियाँ उनसे काफ़ी वक्त पहले उठ जाती हैं और अपने काम करने लगती हैं। और पहला काम होता है, चलो भैया बन जाते हैं, यानी जंगल जाते हैं। बन, वन एक शब्द है, वन का ही दूसरा जो पहाड़ी में बोला गया, बन जाते हैं। तो जंगल जाने की तैयारी होती है सुबह सुबह। तो चूख जो होता है वो बड़ा नींबू होता है, हमारे वहाँ नींबू भी नॉर्मल नहीं होता, जो आजकल बहुत महंगा होता जा रहा है, वो काफ़ी बड़ा होता है और वो पेड़ों में होता है। तो इसलिए हमको कोई खर्चे पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती कि अरे यार ये महंगा हो गया, हमारे तो पेड़ों में है, हमारे लिए तो हर एक चीज़ कीमती है और हर एक चीज़ खूबसूरत है, आसानी से उपलब्ध है वहाँ पर। तो अब इस कविता की तरफ वापस जाते हैं कि पहाड़ों पर नमक बोती औरतें बहुत सुबह ही निकल जाती हैं अपने घरों से। होती हैं तब उनके हाथों में दराती, रस्सी, चूह के बड़े बड़े दाने, सिलबट्टे में पिसा गया महकदार नमक। छोड़ आती हैं वो बच्चों की आंखों के भीतर सबसे मीठी कोई चीज, लेकिन नहीं होती वो पर्वतारोही। दाखिल होते हैं पहाड़ अनिवार्यताओं के साथ उनके जीवन में। हर दिन पहाड़ों को पाना होता है उनसे पार। उनके पास होता है तेज चटपटा नमक व गुड़ भी, जिसे खर्चती हैं वो मोतियों की तरह किसी धार पर। धार का मतलब होता है एक ऐसी जगह, जैसे आप पहाड़ पे चढ़ते हैं तो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर लोगों के बैठने के लिए, सुस्ताने के लिए, आराम करने के लिए थोड़ी सी जगह होती है, उसे धार कहते हैं। या फिर चट्टान पे कोई ऐसी जगह जहाँ पर आप रुक करके आराम कर सकते हैं। तो महिलाएं जब सुबह सुबह निकल गई हैं तो उस वक्त वहाँ पर बैठ रही हैं। तो उनके पास होता है तेज चटपटा नमक व गुड़ भी, जिसे खर्चती हैं वो मोतियों की तरह किसी धार पर। ढलान में उतरते हुए या फिर चढ़ते हुए, इस तरह होती हैं उनकी अपनी जगहें जंगलों के बीच भी, जहां वो जोर जोर से हंसती हैं।
तो वो जगह कुछ ऐसी होती है ना जहाँ पर वो खुल करके हंस सकती हैं, जहाँ पर वो अपनी बातें कह सकती हैं। नहीं तो ऐसा कहा जाता, अरे 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 कैसे बोल रही है भैया ये इतनी ज़ोर से, अरे लड़कियाँ या महिलाएँ इतनी ज़ोर से थोड़ी बोलती हैं। ये एक पितृसत्ता की परेशानी है कि वो महिलाओं को आज़ाद नहीं देख सकते। ऐसी कई जगह दिक्कतें हैं जो कि धीरे धीरे सही हो रही हैं, दूर हो रही हैं, पर हैं तो हैं। तो अब उस जगह पर जहाँ पर वो हंस रही हैं, खेल रही हैं, उस जगह पर आगे इन्होंने लिखा है कि दरातियों की नोक से ज़मीन को कुरेदते हुए बहुत सारा नमक बो आती हैं वो पहाड़ों पर। तो जब बातें करती हैं ना वो किसी पहाड़ की, एक कहते हैं कि ढलान पे या फिर किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर उन्होंने बैठने वाला अपना एक स्थान बनाया होता है, उस जगह पर वो जैसे बात कर रही हैं तो दराती से खोद भी रही हैं ज़मीन को और कह रही हैं अच्छा पता है ऐसा हो गया, मतलब जो उनकी गप्पें चल रही हैं। अब जीवन में तो इतनी मुश्किलें हैं, अब उन मुश्किलों के साथ एक समाज भी है, समाज की बातें भी हो रही हैं। तो अब आगे, उगता है उनका नमक अपनी ही बरसातों में, अपने ही एकांत में, अपनी ही काया में, अपनी ही ठसक में। वो बैठ जाती हैं तब किसी धार की नोक में टिके पत्थर पर। छम छम दिखता है जहां से नदी का किनारा, दूर घाटी में पसरती नदी की तरह महसूस करती हैं तब वो खुद को, जैसे नदी ना बह रही होती है आराम से ऐसे, तो उस वक्त पे उस नदी की तरह कहती हैं कि चलो यार अब हम भी थक गए हैं बहुत काम करके, थोड़ा आराम कर लेते हैं। तो पसरना का मतलब होता है कि आराम से बैठ गए। हमारी जहाँ हमको डांटते हुए कहती है कि ले रे कसी पसर रहे थे तू, मतलब क्यों रे कैसे, मतलब ऐसे लेटा हुआ है तू। तो उनकी गादे से झाँकती हैं हरी पत्तियाँ बांज की, एक टक अपने तनों से मुक्त न्योली गाते हुए। गादे मतलब वो जो जिस पे वो घास लेकर के आई हैं, वो एक सामान हो सकता है या फिर वो रस्सी में बांध करके घास को लाती हैं, इस तरह से कुछ इसका मतलब है। तो हरी पत्तियाँ बांज की, बांज एक तो बाज होता है जो एक मतलब बांज एक वो होता है पंछी, और बाज बांज सॉरी बांज और बाज में कंफ्यूज हो गया। तो बांज एक पेड़ है जिसकी जड़ों से पानी बहुत खूबसूरत निकलता है, बहुत प्यारा मीठा पानी होता है, और उसकी पत्तियां भी बड़ी कीमती होती हैं गायों के लिए, कहते हैं कि गाय भैंस उससे ज़्यादा दूध देते हैं। तो उनके गादे से झांकती हैं हरी पत्तियां बांज की, एक टक अपने तनों से मुक्त न्योली गाते हुए। न्योली हमारे पहाड़ में गाया जाने वाला एक लोकगीत है, या फिर कह लें कि लोकगीत की एक विधा है। तो न्योली गाई जाती है, हमारे पप्पू कारकीदा अक्सर गाया करते थे न्योली। तो करती हैं वो संबोधित अपनी ही भाषा में, अपने ही अनघर शब्दों में पहाड़ को। वो गढ़ती हैं छीड़, फिर गिरती हैं और वो ग्यालों में पसर जाती है। उनकी दराती तब घास बनकर उगती है, चारों ओर हरी। उनका ये महकदार नमक सीझता नहीं बल्कि बिखर जाता है। वो फिर से काट लाती हैं हरापन अपने घरों के भीतर और बो आती हैं नमक फिर से पहाड़ों पर। अब पहाड़ों में जब महिलाएं गिर जाती हैं ना, तो जैसे घास काटने गए कोई गिर गया उनमें से, हो सकता है किसी की ज़िंदगी चली गई, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो अपना काम रोक देते हैं। उसके बाद वो दोबारा से काम करना शुरू कर देते हैं अगले दिन, क्योंकि मालूम है कि इतनी विषमताएँ हैं लेकिन फिर भी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। तो आगे ये कविता है कि नमक बोती हुई औरतें थकती नहीं, या कि उन्हें थकना बताया ही नहीं गया। वो होती हैं एक शिकारी चिड़िया की तरह जो खदेड़ देती हैं बहुत दूर अंगुली वाले चीलों को अपने घोंसले से। उनकी रातें भी होती हैं अपने परदेश गए पतियों के लिए नहीं बल्कि अपने दुखों को साझा करने। वो रातों को चल पड़ती हैं मीलों दूर जत्थों में चाँचरी गाने। वो बहुत शातिर छापा मारों की तरह कर देती हैं तब रात को गोल घेरे में बंद। वो हाथों में हाथ लेकर बना लेती हैं चक्रव्यूह जहां नहीं घुस पाती उदासी। तब फाटक पर टंगी बोतल बत्ती धधकती है, बांझ के गिल्टे लाल हो रहे होते हैं कहीं किसी कोने में। उनके गीतों की हवा पाकर तब धूल उठती है, जमीन निखर जाती है। वो अपने पतियों के बिना भी रहती हैं खुश। पति उनके लिए केवल होते हैं पति या फिर फौजी कैंटीन के सस्ते सामान की तरह। अब ये जो हिस्सा है ना, ये बड़ा खूबसूरत है क्योंकि इसमें दादा कहते हैं कि उनकी रातें होती हैं अपने परदेश गए पतियों के लिए नहीं, क्योंकि अधिकतर बच्चे क्या होते हैं फौज में चले जाते हैं। आपने हाल ही में कई कहानियां सुनी होंगी हमारे फौजी भाइयों की, जिनमें से आधे से ज़्यादा पहाड़ से थे, और मैक्सिमम लोग वहाँ आर्मी में जाने का ख्वाब देखते हैं। तो होता क्या है कि आर्मी में जाने का ख्वाब देखना बहुत अच्छा है क्योंकि देश की सेवा करनी है, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि रोज़गार भी चाहिए। घर में जब थोड़े पैसे होंगे तभी बाकी की और चीज़ें चल पाएंगी और ख़र्चे चल पाएंगे।
तो वो महिलाएं इंतजार करती रहती हैं कि हमारा पति जो है वो तो भैया परदेश गया हुआ है, परदेश ही बोला जाता है वहाँ पर, तो परदेश गया हुआ है और कोई दिल्ली मुंबई इन शहरों में नौकरी कर रहा है, कोई हल्द्वानी रुद्रपुर में काम कर रहा है, तो कोई फौज में है, यानी अपनी सरहद के लिए, अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए, अपने देश के लिए अपने घर से दूर है। तो उस वक्त में जब महिलाएं होती हैं घरों में अकेली, तो सब लोग मिलती हैं, बैठती हैं कि चलो यार अब हमें अपनी ज़िंदगी को थोड़ा तो उल्लास से भरना है, तो वो लोग छोड़े गाते हैं, चाचरी गाते हैं, ऐसे एक हाथ दूसरे के हाथ में रखते हुए, ऐसे गोल घेरे में घूमते हुए इस एक कहते हैं कि इस त्यौहार को मना लेते हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो उस वक्त में एक जगह पर जब ठंड का मौसम होता है ख़ासतौर पे, तो वो क्या करते हैं कि आग जला लेते हैं, आग जला करके उसके जो गर्म लाल कोयले होते हैं वो दिखते हैं, जिसमें दादा जिक्र भी करते हैं कि तब फाटक पर टंगी बोतल बत्ती धधकती है, बांझ के गिल्टे लाल हो रहे होते हैं, जहाँ पर ये बात कही गई है वहाँ पर यही बात है कि उनके गाते हुए फाटक पर टंगी जो बत्ती है जिससे मशाले जला करके लोग जाते हैं, कई जगह ऐसा भी है ना अभी भी लाइट नहीं पहुँचती है पहाड़ों पे, तो वहाँ पर अभी भी इधर उधर जाने के लिए मशाले हैं, उनकी अपनी लोकल मशाले हैं, वो किस तरीके से उसका उपयोग करती हैं। तो आगे बढ़ते हैं कि पहाड़ पर नमक बोती औरतें अपने परदेश जाते पतियों को पहुँचाने धार तक आती हैं हमेशा, फिर लौट जाती हैं धार के उस तरफ घास के भरे ढोके लेकर या पानी की गगरी कांख में दबाए, क्योंकि वो जानती है लौट आते हैं परदेश गए लोग अपनी जमीनों को एक दिन, इसीलिए वो वसंत का स्वागत करती हैं, दरवाजों पर फूल रखती हैं। वसंत पंचमी को वो जाती हैं जंगल, दे देती हैं वो अपनी सारी टीस हिलास को, अपने विरह को भूल जाती हैं, घुघुती की सांखी से निकलती गुरगुर की आवाज में अपने रंग में रंग देती हैं जंगलों को, तब बुनाश खिलता है लाल, काफल में भर आता है रस, पहाड़ पर नमक बोती औरतें महकदार नमक लिए चलती रहती हैं हमेशा। जब कभी किसी को पहुंचाने जाना होता है, मतलब घर आया, आप भी जाते होंगे अपने अपनों को छोड़ने के लिए, तो पहाड़ों पे जो महिलाएं होती हैं वो अपने बच्चों को छोड़ने जाती हैं सामने धार तक, क्योंकि वहां से आगे चला ही जाएगा वो पैदल, उसके बाद फिर कोई गाड़ी पकड़ लेगा, उसके बाद वो वापस खाली हाथ नहीं आती कि चलो ठीक है बच्चे को छोड़ आए, नहीं, उसके बाद आते हुए वो या तो पानी की गगरी में पानी भर लाती हैं किसी शोज से, धारे से, पानी वहाँ ऐसे दुकानों में नहीं बिकता बल्कि पहाड़ों से निकलता है, तो या तो वो कर लाती हैं या फिर घास ले आती हैं अपने साथ आते हुए। आगे है कि पहाड़ों पर नमक बोती औरतों के होते हैं प्रेमी, वो खुद होती हैं महान प्रेमिकाएँ, अपने देशाटन गए पतियों से वो करती आई हैं विद्रोह, और घुमक्कड़ों के साथ भागने के उनके किस्से अब तक जिंदा हैं पहाड़ों पर, वो भेड़ों का रेवड़ लेकर चली आती हैं भोट से कत्यूर राजाओं के दरबार तक, अपने प्रेम को व्यक्त करने राजाओं के दरबार से सुरक्षित निकल भी जाती हैं अपने जंगलों को, उन्हें पाने के लिए राजा खोते आए हैं अपनी सेनाएं। तो ये उत्तराखंड के इतिहास में अगर आप कभी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी महान विरासत रही है और किस तरह से पहाड़ों पर जो नमक बोती महिलाएँ हैं उनका जिक्र समेट दिया है एक कविता के जरिए से अनिल दाने। तो आगे लिखते हैं कि अपनी ओर उठती जमींदार की आंखें फोड़कर भाग आती हैं वो अपने प्रेमियों के पास अक्सर, वो खोच देती हैं बागनाथ की मूर्ति की आंखें भगवान के घूरने की आदत से परेशान होकर, वो नदियों को देती हैं सोने के सिक्के दान, कहती हैं बहते रहना, पत्थरों को मिट्टी बनाते रहना घिस घिस कर, तब वो बन जाएंगे मट्टी, हम बो देंगे उन पर नमक। पहाड़ पर नमक बोती औरतें होती हैं इजाएं, इजाएं मतलब माँ, पहाड़ पर नमक बोती औरतें होती हैं इजाएं, उनके बच्चे खेलते हैं मिट्टी में और खा भी लेते हैं, वो मिट्टी का स्वाद जानते हैं, उनकी नाक बहती है, बहती हुई नाक का नमकीनपन उन्होंने चखा है, इजा के वक्ष से लगते हुए ये प्रमाणित हो जाता है खुद ब खुद, पसीने से कुछ नहीं अलग होता इजा के वक्ष का स्वाद जो होंठों पर चिपका रहता है, उनके जवान हो जाने पर भी जवान होने से पहले वो पहाड़ों पर खेलते हैं फिसलने वाला खेल, फिसलते फिसलते फट जाती है उनकी पैंट पिछवाड़े से, स्कूल की खाकी पैंट में पीछे से हो जाते हैं छेद जिसे वो आजीवन सीते रहते हैं, फिर इजाओं से अलग होकर वो पहाड़ों पर जाते हैं गाय चराने, तब रिबड़ाते हैं बैलों को और जला देते हैं सबसे ऊंचे पहाड़ पर खतड़ुआ, उनकी माएँ तब उनके लिए पकाती हैं रोटी और पीसती हैं नमक। पहाड़ों पर नमक बोती औरतें जब कभी पहाड़ों से घास के ढोके के साथ गिरती हैं, छमछट ढलान पर लुढ़कते हुए नदी के पास पहुंच जाती हैं या एक नदी हो जाती हैं, तब बदल जाता है उस धार का नाम उनके शहादत पर। पहाड़ की जो महिलाएं होती हैं जब कभी वो किसी ढलान से गिर जाती हैं और उनकी जिंदगी चली जाती है,
तो उसके बाद से उनके नाम पर उस जगह का नाम रख दिया जाता है। जैसे हमारे वहाँ ही था कि जब वो था कि एक परूली नाम की लड़की गिर गई थी एक पहाड़ से, तो कह दिया था कि ये परूली का भीड़ा है, तो उनके नाम पर वो चीज़ गिर जाती है। जैसे अगर मैं किसी पहाड़ की चोटी से गिर गया तो वो पंकज का भीड़ा, इस तरीके से नाम दे दिया जाएगा कि मतलब अगर मेरी डेथ हो गई वहाँ से, तो इस तरीके से उन महिलाओं के गिरने के बाद उन्हीं के नाम पर आ जाता है उस चट्टान, चोटी या फिर उस नदी की धार का नाम, कि ये धारा यहाँ पर से इस नाम से पहचानी जाएगी। पिताओं और पतियों के घर से दूर इस जंगल में वो याद की जाती हैं हमेशा घस्यारिनों द्वारा। भले ही पिता और उनके पति उन्हें भूल जाएं, लेकिन घस्यारिनें हमेशा याद रखती हैं कि अरे हमारे साथ ना एक घस्यारिन आती थी, उसका नाम ये था, वो यहाँ से गिर गई थी। तो बातों बातों में उनका दर्द भी छलकता है, उनकी चिंताएँ भी झलकती हैं, उसकी याद भी झलकती हैं। तो तब आगे है कि तब शाम का पीला घाम केवल उनके लिए पसरता है पहाड़ों पर, ताकि सूख सके मासिक धर्म में पहनी गई उनकी धोती। इसी धूप में नहाती हैं वो गाढ़ खेलों में, बैठ जाती हैं गाढ़ के सबसे ऊंचे टीले में, यहीं धूप मिलती है छुतिया सैनी को। सूरज की ऊर्जा से पहाड़ लपक कर पकड़ लेता है इस धूप को अपने सच्चे हकदारों के लिए। उस वक्त घरों पर बैठी पहाड़ पर नमक बोने वाली औरतें पहाड़ों से गिर गई, या फिर पहाड़ों से गिरी हुई शहीद औरतों को याद करती हुई अपने बच्चों को बताती हैं कि क्यों आता है पीला घाम पहाड़ों पर सांझ को ही। तो यानी पहाड़ों पर जो पीला घाम आ रहा है वो कहीं ना कहीं वो पहाड़ पर गिरी हुई उन महिलाओं की याद में आ रहा है। कैसे पड़ा होगा नाम इस दुनिया में जगहों का, पेड़ों का, चिड़ियों का, यानी हर जगह का नाम किसी खास याद की वजह से रखा गया होगा। कि इस जगह का नाम इस वजह से रख देते हैं कि यहाँ पर किसी की शहादत हुई है या किसी की जिंदगी गई है। यहाँ तक कि प्योली के फूल का भी, और इस तरह बताती हैं अपने इतिहास और अपनी लड़ाइयों में वो राजधानी से दूर किस तरह होती हैं शामिल, किस तरह होती हैं वो शहीद, किस तरह करती हैं गर्व, किस तरह उगती हैं ढलानों पर, किस तरह भींच लेती हैं ज़मीनों को अपनी जड़ों से। बच्चे सुनते हैं और अधबीच में सुनते हुए सो जाते हैं। जैसे कई बार आपके घर में होता होगा ना, माँ या दादियाँ आपको कुछ सुनाती होंगी तो आप सुनते सुनते सो जाते होंगे, तो ऐसे ही बच्चे सो जाते हैं। एक लंबे अंतराल के बाद अभिमन्यु घिर जाता है चक्रव्यूह में। जो ही जवान एकलव्य निकलता है अपने कबीले से बाहर, काट दिया जाता है उसका अंगूठा, तब इतिहास में अर्जुन लिखे जाते हैं। यानी त्याग, एक का त्याग दूसरे की सफलता, यानी एक का पत्ता कटता है तो तब दूसरे का नंबर आता है। यहाँ एकलव्य का अंगूठा कटा था जब, तो उसके बाद अर्जुन का नंबर आया था। गांडीव धनुष के साथ जबकि पहाड़ों पर नमक बोती औरतें मरकर भी नहीं छोड़ती अपनी ज़मीनें, वो खट वाली गाढ़, जंगल वाली धार और नौले वाले खोले में रहती हैं मौजूद हमेशा। महिलाएं चली जाती हैं उस जगह पर अगर उनका देहांत हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी वो उस जगह पर रहती हैं अपनी यादों में, या फिर कह लूँ कि उनके नाम से वो जगह पहचानी जाती है, तो इस तरह से वो वहाँ मौजूद रहती है। उनके हिस्से का नमक, उनके हिस्से का टीका, उनके हिस्से के कपड़े, उनके हिस्से की दरातियाँ और उनके हिस्से का दर्पण आज भी चढ़ाता है जगरिया। जगरिया हमारे वहाँ जागर लगती है, तो जागर में उन सारे लोगों को याद किया जाता है जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है, जो हमारे देवता होते हैं, जो हमारे जितने भी लोग होते हैं उन सबको याद किया जाता है। यानी पितरों को भी याद किया जाता है, इष्टों को भी याद किया जाता है, देवताओं और हमारे पूर्वजों को याद किया जाता है। तो जिनकी कोई इच्छा अधूरी रह जाती है तो उनके नाम पर वो चीज़ें चढ़ाई जाती हैं उस जगह पर जहाँ पर उनका देहांत हो जाता है। तो कहीं किसी धार पर डर के मारे मरकर भी नहीं छोड़ती वो अपने संगजियों को, हर दुख में देती हैं उन्हें लड़ने का हौसला, पहाड़ पर नमक बोते रहने की जिम्मेदारी से कराती रहती हैं अवगत। वो सपनों में फटी धोती पहनकर चली आती हैं, मांगती हैं चूक, मांगती हैं नमक, महकदार बुलाती हैं जंगलों में अपनी सहेलियों को, धार पर बैठकर सुनाने को कहती हैं न्योली। औरतें जाती हैं जंगल और फिर वो आती हैं नमक पहाड़ों पर। तो ये कविता अनिल दा ने लिखी है और ये मेरे दिल के बेहद करीब है, और मैं कब से चाहता था कि इस कविता को आपके बीच सुनाऊं। इस बीच में बहुत बार सोचा भी था कि कभी ऐसा मौका लगेगा तो मैं इस कविता को आपके बीच लेकर के आऊँगा, और आज ऐसा मौका बन गया। पता नहीं आपको ये समझ में आई या नहीं आई, लेकिन जो भी पहाड़ से लोग होंगे वो ज़रूर इस कविता के मतलब को समझ गए होंगे, और जो पहाड़ से बाहर के लोग होंगे वो भी भावनाओं को ज़रूर समझ गए होंगे कि इस कविता के कहने का मतलब क्या है। पहाड़ देखने में बेहद खूबसूरत है। जब कोई बाहर से पहाड़ों को देखता है तो उसे लगता है कि चलिए पहाड़ में जाते हैं, वैकेशन मना करके आएंगे। लेकिन ये जो छुट्टियाँ मनाने जाते लोग हैं ना, वो कभी शायद ये नहीं देख पाते होंगे कि उन पहाड़ों के बीच, उन पहाड़ों में रहने वालों का संघर्ष कितना है।
जिनकी ज़िंदगी का मालूम नहीं। अभी इसमें जिक्र नहीं है, लेकिन अक्सर क्या होता है कि पहाड़ों पर जो महिलाएं जंगल जाती हैं उनके पीछे पड़ जाते हैं बाघ। बाघ देखने में कितना एडवेंचरस लगता है ना, लेकिन जिन्होंने अपने अपनों को खो दिया होता है वो जानते हैं कि वो कितनी तकलीफ़ें झेलते हैं इस बात के लिए। फिर उसके बाद वन विभाग वाले आते हैं और वो सांत्वना जताते हैं, तो इसी सांत्वना में निकल जाती है हम पहाड़ियों की ज़िंदगी। हमारे हिस्से बस यही आता है, हमारे हिस्से हमेशा सांत्वनाएँ आती हैं। कभी किसी नदी के नाम पर हमारा गांव उजाड़ दिया जाता है तब भी हम कुछ नहीं कह पाते। कभी हमारे वहाँ से कोई आदमी सिर्फ इसीलिए उसकी जान चली जाती है क्योंकि वो वक्त पर अस्पताल नहीं पहुँच पाता। वक्त पर अस्पताल ना पहुँच पाने की वजह है कि एक तो गाँव में हमारे अस्पताल नहीं है, और दूसरी बात यह है कि सड़क नहीं है। एक कवि हैं पहाड़ के, उन्होंने लिखा भी था कि मैंने ये पंकज त्रिपाठी के मुँह से सुना था, तो उन्होंने एक शो पर कहा था कि यह सड़क तुम अब आई हो गाँव जब पूरा गांव शहर जा चुका है। तो कहने का मतलब यह है कि कवि, लेखक, कहानीबाज हमेशा अपनी बातें उठाते रहेंगे, लेकिन जिनका मुख्य काम है ये करने का, वो भूल जाते हैं अक्सर अपनी जिम्मेदारियां, और उन जिम्मेदारियों को याद दिलाने के लिए हम खटखटाते रहते हैं उनके दरवाजे, और अपने बोलों से, अपनी बातों से उनके कानों में आवाज़ करते रहते हैं कि जागो जो सो गए हो तुम सत्ता वालों। तो चलिए, मोहब्बत बनाए रखिएगा। ऐसे ही अगर ये पसंद आई कविता तो इसे आप शेयर कर सकते हैं। हाँ, इसे शेयर कर सकते हैं क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये बहुत लोगों तक पहुँचे। बाकी मोहब्बत बनाए रखिए, मुलाकात करते हैं फिर से। अगली बार कोई और कविता लेकर के आऊँगा, कुछ और नई चीज़ें लेकर के आऊँगा। मोहब्बत देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।